ढूंढीराज गोविंद फाल्के उपाख्य दादा साहब फाल्के वो महापुरुष हैं जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वो मंच के अनुभवी अभिनेता थे, शौकिया जादूगर थे, कला भवन बड़ोदरा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी किया था। उन्होंने 5 पौंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और शहर के सभी सिनेमा घरों में जाकर फिल्मों का अध्ययन और विश्लेषण किया। दादा साहब फाल्के की प्रतिमा गोधरा में क्यों बनानी चाहिए? दादा साहब फाल्के ने गोधरा में खोला था सबसे पहला स्टूडियो, हासिल किया असाधारण मुकाम। फोटोग्राफी का कोर्स पूरा करने के बाद दादा साहब के मन में अपना स्टूडियो खोलने का विचार आया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले गोधरा को चुना। फाल्के ने अपने करियर की शुरुआत गुजरात के गोधरा से की थी। हालांकि सफलता के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें असफलता भी मिली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दादा साहब फाल्के ने अपने सबसे पहले स्टूडियो की शुरुआत गोधरा के रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी गिड़वाली रोड इलाके से की थी। गोधरा के जुहूपुरा सब्जी मंडी के पास एक बरसों पुराना मकान है और उस मकान में रहने वाला देसाई परिवार आज भी फाल्के साहब के फोटो स्टूडियो की गवाही दे रहा है। दादा साहब फाल्के और उनके परिवार के संबंध और अलग अलग मौकों पर दादा साहब फाल्के ने उनके कैमरे से ली गई देसाई परिवार की तस्वीर आज भी परिवार के पास मौजूद है। दादा साहब फाल्के का गोधरा से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। आज पूरा विश्व दादा साहब फाल्के को जानता है और याद करता है। गोधरा के अंदर दादा साहब फाल्के का प्रतिमा बनना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दादा साहब फाल्के आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बने। हम चाहते हैं गोधरा के अंदर दादा साहब फाल्के की प्रतिमा बने और वो हमारे आने वाले जनरेशन के रोल मॉडल बने और गोधरा पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाए।